आतंकवादी संगठन के मामले को लेकर लगातार हजारीबाग और लोहरदगा में एटीएस की टीम की छापेमारी चलती है और इस छापेमारी अभियान में आज गुरुवार को अली सुबह 11 बजे हजारीबाग के लोसिंगना क्षेत्र से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, कोर्ट में उनकी पेशी होती है और उसके बाद उनको ट्रांजिट रिमांड पर एटीएस दिल्ली ले जाने की तैयारी आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। एटीएस दिल्ली ले जाने की जो तैयारी है पूरी कर ली गई है, दिल्ली ले जाया जा रहा है एटीएस और ये लगातार एटीएस की टीम जो है उनका रांची से कनेक्शन बता रही है। आप अभी सुनेंगे कि जो सिविल कोर्ट की जो वकील हैं वो क्या कुछ कहती हैं। अंजुम जी, इस विषय पर फिलहाल आपको पूरी जानकारी दे दें कि कहीं ना कहीं लोसिंगना हजारीबाग से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी हुई है, कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि इनका आतंकी मामले से आतंकी करेक्शन के शक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। 11 बजे इनकी गिरफ्तारी की गई है और दरअसल पता चल रहा है कि 6 महीने से ये एक डॉक्टर के संपर्क में थे और यही डॉक्टर के इर्द गिर्द जो है पूरा मामला घूम रहा है। अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये तो बाद में पता चलेगा, फिलहाल जो पूरी जानकारी है वो आप सुनेंगे वकील महोदया से। लोसिंगना क्षेत्र से एक अभियुक्त को लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनको बेसिकली इंटरोगेशन के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है ट्रांजिट रिमांड पर। बस यही जानकारी है, उनसे पूछताछ की गई कि वो उनकी गिरफ्तारी कब हुई है, तो उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 11 बजे सुबह में हुई है आज और उनके घर वालों को सूचना है कि उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है ट्रांजिट रिमांड पर। किस आरोप में गिरफ्तारी हुई मालूम? अभी देखिए उनका आरोप कुछ भी वैसा सिद्ध नहीं हुआ है, उनको बस पूछताछ के लिए अभी ले जाया जा रहा है। उसकी टीम आई हुई थी, कौन थी ये, कोई जानकारी? हाँ, ये दिल्ली से कोई टीम आई हुई थी, लगभग 50-60 लोगों की टीम थी और वही ले गए हैं। नहीं, अलकायदा से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मामला अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। रांची से कोई डॉक्टर भी इसमें दिल्ली का नाम आ रहा है क्या? जी हाँ, कोई डॉक्टर, एक डॉक्टर का नाम आ रहा है, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन एक डॉक्टर है जिनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। बस इनका कहना है और जैसा कि इनसे पूछताछ की गई, इनका कहना है कि बस इनका कोई बच्चा था, छोटा बच्चा है जो कि बीमार रहता है, उनके द्वारा वो उनसे टच में थे और बातचीत करते थे, इसलिए बस इनको। ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला लग रहा है आपको? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? नेहा अंजुम।